आप सभी के लिए स्टडी सक्सेसफुल परिवार की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नया साल बदलेगा, साथ नहीं बदलेगा, हमारा साथ यूं ही बना रहेगा। नया साल आपका शुभम मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सदा हंसते रहो और हंसाते रहो। नया साल की आप सभी को स्टडी सक्सेसफुल परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और यह नया साल आप सभी के लिए, आप सभी की जितनी भी मतलब इच्छाएं हैं सारी की सारी पूरी हो जाए, ऐसा हम लोग कामना करते हैं आप सभी के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है। यूपी स्कॉलरशिप की दूसरे चरण की जो स्कॉलरशिप है आना शुरू हो गया है। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ और स्टेटस कब से शुरू होगा वो भी आपको बताने वाले हैं। तो ये स्टूडेंट चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट और पीडीएफ वगैरह हमारे टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैंने कमेंट पिक किया गौरव पांडे का। यहाँ आप देख सकते हो 48,400 रुपए आ गया है आज। यहाँ पर देख सकते हो काफी बच्चों के कमेंट मैंने पिक किए हैं और आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी बताने वाले हैं। यहाँ पर देखते हो मेरा आज, विपिन यादव का कमेंट है, मेरा आज 20,032 रुपए आया है बीटीसी का। देखिए स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो गया है। और एक बच्चे ने कमेंट किया सर स्टेटस शो नहीं हो रहा है। देखिए स्टेटस कब से शो होगा इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए। काफी आप लोगों के कमेंट आ रहे थे और जिनका स्कॉलरशिप अभी नहीं आया है उनका कब आएगा, सब 3 दिन के अंदर आपके खाते में स्कॉलरशिप आ जाएगा। जिन बच्चों का नहीं आया है वो भी अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो स्टेटस शो नहीं हो रहा है, उन्होंने बताया है। देखिए स्टेटस शो मैंने बात की थी DWO के अधिकारियों से तो बता रहे थे 10 जनवरी के समथिंग आप लोगों का स्टेटस शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 10 जनवरी के समथिंग आपका स्टेटस शो होना शुरू हो जाएगा। अगला कमेंट मैंने पिक किया है, देख सकते हो प्रवीण पटेल का एक कमेंट है, सर हमारा 7,000 रुपए अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। देखिए जिन लोगों का अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है टेंशन ना लो, 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर उनका स्कॉलरशिप उनके खाते में मतलब आ जाएगा। ठीक है, और मैसेज भी आपके मोबाइल पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखते हो आज के पेपर में ये न्यूज निकल के आ रहा है। ठीक है, आचार संहिता से पहले 20 लाख छात्रों की शुल्क भरपाई यहाँ पर भेजी जाएगी। अब यहाँ पर आप मेन हेडिंग देख सकते हो 3 से लेकर 6 जनवरी के बीच खाते में भेजी जाएगी आप लोगों की स्कॉलरशिप। जिन छात्रों की आ गई है मैंने आपको दिखा दिया और जिनकी अभी तक नहीं आई है वो टेंशन ना लो सर, 3 दिन का वेट कर लो, 3 से 4 दिन के अंदर आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखा 3 से 6 जनवरी के बीच यानी कि 4 या 5 तारीख में आ जाएगी। जिनकी अभी तक नहीं आई है और जिनका आ गया मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो है ना, ऑफिशियली न्यूज निकल गया है अमर उजाला की तरफ से और यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो बिल्कुल है ना, ये न्यूज निकल के आ रहा था। अब मैं इसको और जूम करके आपको बता देता हूँ। देखिए आप लोग, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले प्रदेश के 20 लाख छात्राओं को शुल्क भरपाई की दी जाएगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग है वो अपनी तैयारी में जुट गया है। ऑनलाइन आवेदन तेजी से किए जा रहे हैं। प्रदेश में छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के लिए अभी 73,000 छात्रों का आवेदन किया है, जिसमें 33,000 से ज्यादा शिक्षक फॉरवर्ड कर चुके हैं। जिनका फॉरवर्ड नहीं हुआ है उनका मतलब टेंशन ना लो आ जाएगा। ठीक है, 13.68 लाख छात्रों को 458.66 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है फर्स्ट किस्त में। ठीक है, सेकंड किस्त आ रही है काफी लोगों की और जिनकी नहीं आई है टेंशन नहीं लो, 6 जनवरी तक सभी लोगों की आ जाएगी स्कॉलरशिप। ठीक है, यहाँ देख सकते हो सरकार SC ST सभी के लिए मतलब स्कॉलरशिप देने की मतलब बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, यहाँ देख सकते हो जिन छात्रों को डाटा अब तक शिक्षण संस्थान से फॉरवर्ड कर दिया गया है उनके खाते में स्कॉलरशिप 3 से 6 जनवरी के बीच आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रहा है। ठीक है, ऑफिशियली न्यूज निकल के आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब कहने का मतलब ये है, मेन हेडिंग यही है इसकी कि जिन छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आई है वो 6 जनवरी तक वेट करें और जिनकी आना शुरू हो गया मैंने आपको दिखा दिया। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था, इंस्टा पे मुझे मैसेज किया था 3 से 6 जनवरी के बीच आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इस बार चुनाव वगैरह भी, और हाँ बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा मतलब जो हमारा करेक्शन नहीं हुआ है क्या हमारा स्कॉलरशिप नहीं आएगा। देखिए ऐसा बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि छोटा मोटा करेक्शन को रिगार्डिंग ये लोग मतलब सबकी स्कॉलरशिप भेज रहे हैं क्योंकि इस बार चुनाव का माहौल है। जिन लोगों का छोटा मोटा करेक्शन है उनकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, टेंशन ना लो। ठीक है, ऐसा नहीं आपका करेक्शन नहीं हुआ तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग तैयारी करते रहो, स्कॉलरशिप आपकी बहुत जल्द आ जाएगी और काफी बच्चों की आ भी गई है और 6 तारीख तक सभी लोगों की आ जाएगी 6 जनवरी तक। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी के लिए नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे।